हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में CAPF एग्जाम 2019 का पेपर 2 का एसे क्वेश्चन ऑनलाइन गेमिंग इज डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ पर हम डिस्कशन करेंगे। कुछ अनाउंसमेंट भी करना है मुझे। यदि किसी को CAPF की फेस टू फेस क्लास लेनी है तो मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ उस इंस्टीट्यूट का नाम है CAPF एकेडमी। ये दिल्ली में है, GTB नगर में, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के पास। और जिसको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो मेरे पेन ड्राइव वीडियो कोर्स CAPF के लिए अवेलेबल हैं। और तीसरा अनाउंसमेंट ये करना है कि मेरी CAPF पेपर 2 की बुक रिलीज़ होने वाली है बाय फेब एंड। ग्रामर के रूल्स, ग्रामर के प्रैक्टिस सेट्स, साथ में करीब 70-80 एसेज हैं जिसमें 2019 का पूरा सॉल्व्ड एसे है, साथ में 2019 का जो टेस्ट पेपर्स में ऐसे रिपोर्ट पूछा गया था वो सारा का सारा सोल्यूशन उस बुक में रहेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग इज डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ, ये आपका ऐसे क्वेश्चन है। और इसमें जो मेजर कंपोनेंट है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है डेंजरसली, यानी किस तरह से ऑनलाइन गेमिंग डेंजरस है। अगर मैं डेंजरस बोल रही हूँ तो इसका मतलब लाइफ थ्रेटनिंग है, तो आपका फोकस इस डेंजरस पे होना चाहिए। मैंने अपना इंट्रोडक्शन ना तो ऑनलाइन गेमिंग से शुरू किया है ना ही यूथ से शुरू किया है, मैंने इंट्रोडक्शन आउटडोर गेम से शुरू किया है। तो आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए या तो आप माइनर कंपोनेंट से शुरू करो, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग से शुरू कर सकते हो, या आपको यूथ से शुरू करना है यूथ से शुरू करो, मगर जो मेजर कॉम्पोनेंट है कि ऑनलाइन गेमिंग डेंजरस है, उस मेजर कॉम्पोनेंट से कभी भी अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट मत करना। या तो आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से शुरू कर सकते हो जैसे कि मैंने किया है आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी। दिस इज अ गुड वे टू स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस एंड बोर्डम एंड लीड एन एक्टिव एंड फिट लाइफ। हाउएवर लेटली यूथ प्रेफर्स ऑनलाइन गेम्स टू आउटडोर गेम्स सो मच सो दैट दे हैव डेवलप्ड एडिक्शन टू इट एंड सफर डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स। मैंने अपना इंट्रोडक्शन आउटडोर गेम्स से शुरू किया और किस तरह से आउटडोर गेम बहुत बेनिफिशियल रहता है वो मैंने बता दिया। फिर मैं आई ऑनलाइन गेम्स में और ऑनलाइन गेम्स का डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है मैंने यहाँ पे बता दिया। कैसा डेंजरस इफेक्ट्स होता है ये अभी नहीं बताया है। इंट्रोडक्शन में मैं धीरे धीरे अपने मेजर कंपोनेंट पे आई हूँ। कभी भी मेजर कंपोनेंट पे आप एब्रप्टली ऐसे स्टार्ट नहीं करोगे। अब मैंने लिखा डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स, तो नेक्स्ट पैराग्राफ मैंने डेट्रीमेंटल इफेक्ट से ही शुरू किया है। और इस तरह से मैंने फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ को कनेक्ट भी कर दिया है। द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स कैन बी इजीली गॉज फ्रॉम द ऑनलाइन गेम्स लाइक पबजी। इट ट्रिगर्स एक्ट्स ऑफ वॉयलेंस, मर्डर, असैसिनेशन एंड यूसेज ऑफ वेपन्स। इफ अ पर्सन बिकम्स एडिक्टेड टू सच टाइप्स ऑफ गेम्स, दे स्टार्ट टू फॉलो द बिहेवियर ऑफ द गेम कैरेक्टर्स हुज प्राइमरी गोल्स बिकम हार्मिंग अदर्स फिजिकली एंड मॉरली, killing them with different weapons and even committing the most severe crimes. A boy of MP died while playing PUBG due to sudden rush in excitement level. Due to such ill effects, cities like Surat, Rajkot had banned PUBG and police in some cities had also arrested for playing the game despite the ban. Countries like China and Nepal have also banned this game. So, maine second paragraph mein PUBG ka detrimental effects bata diya. और इसकी वजह से कौन कौन से कंट्री और इंडिया के कौन कौन से सिटीज़ में ये बैन किया गया ये भी बता दिया। फिर मैं दूसरे ऑनलाइन गेम के बारे में बता रही हूँ थर्ड पैराग्राफ में, जो कि है ब्लू व्हेल। अनदर ऑनलाइन गेम चैलेंज द ब्लू व्हेल प्रॉम्प्टेड सेवरल टीनएजर्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड टू कमिट सुसाइड। इन दिस सम अननोन मॉडरेटर्स चैलेंज द प्लेयर्स टू डू वेरियस सेल्फ इंजूरियस टास्क सच एज मार्किंग देयर बॉडीज विद नाइव्स। And in the last such challenge, they asked them to commit suicide. Shockingly, several youths ended their lives, proving them to be worthy of challenge. The Economic Times magazine reported in 2017 130 deaths under the influence of Blue Whale game. तो यहाँ पे Blue Whale का मैंने बता दिया और यहाँ पे मैंने एक evidence भी दे दिया Economic Times magazine का। इधर पे मैंने evidence दे दिया MP के लड़के का। Okay? अब मैं end कर रही हूँ। The reason for such extreme behavior among youth is strong yearning for self-validation from others. Resultantly, in order to prove their self-worth, they end up getting involved in dangerous online game and accepting self-destructive challenges. तो आजकल के यूथ हैं,
टीनेजर्स हैं डेंजरस गेम्स क्यों खेलते हैं? फॉर सेल्फ वैलिडेशन, फॉर वर्चुअल रिवॉर्ड्स, अपना वर्थ को प्रूव करने के लिए. टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ डेंजरस ऑनलाइन गेम्स एंड डिस्करेज द यूथ फ्रॉम फॉलिंग इन टू दैट ट्रैप, दे मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ हेल्दी चैनल्स फॉर सेल्फ वैलिडेशन लाइक आउटडोर गेम्स इन स्कूल एंड एट होम. तो मैंने लास्ट में ये बताया है कि ये जो डेंजरस ऑनलाइन गेम्स है उसको रिप्लेस करना चाहिए आउटडोर गेम्स से, जिसमें ऑनलाइन गेम्स की तरह ही सेल्फ वैलिडेशन मिल सकता है और उसमें भी यूथ अपना वर्थ को प्रूव कर सकते हैं और उसमें वर्चुअल रिवॉर्ड्स नहीं, उसमें रियल रिवॉर्ड्स मिलेगा. ओके, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इसमें मैंने यूज़ किया है 323. थैंक यू स्टूडेंट्स.